टू ऑल. आवर टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, ये क्या है भाई? इट इज ए इंस्ट्रूमेंट used for measuring the small current. छोटे करंट जो होते हैं ना, उनको मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है, दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क NIBA cos of theta. ठीक है, ये क्या है हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल जिस पर यह काम करता है. नाउ इट्स कंस्ट्रक्शन. What is this? It consists of a cylindrical soft iron core. एक cylindrical soft iron core होती है इसमें center में, जिसके चारों ओर एक copper wire को wound करके via a mirror M एक rectangular कोपर वायर रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉयल बनाई जाती है. इस कोपर वायर या इस कॉयल का एक सिरा जुड़ा होता है एक टर्मिनल T1 से और दूसरा सिरा एक हेयर स्प्रिंग से होता हुआ जुड़ा है एक टर्मिनल T2 से. ठीक है, T1 T2 क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉपर वायर इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD. रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम कह देते हैं ABCD. वन एंड ऑफ दिस फ्रेम या कॉइल सॉरी कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T1 एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू टर्मिनल T2. Two permanent magnets are used to provide the magnetic field north south. This is a hair spring S, iske through juda hota terminal T2 se. Between terminal T1 and T2 a battery is connected. So that करंट फ्लो इन द कॉइल, कॉइल में क्या हो जाएगा आपका करंट फ्लो, पॉजिटिव से करंट फ्लो हुआ, इधर करंट आई आया, ये इधर जा रहा है आई और इधर ऊपर जा रहा है आई. ठीक है, इस पूरे सिस्टम को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया जाता है. दिस होल सिस्टम इज enclosed in a glass box.
दिस होल सिस्टम इज इनक्लोज्ड इन ए ग्लास बॉक्स। इसको एक हमने ग्लास बॉक्स में क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। फिर से सुनिए, इट इज ए देर इज ए रेक्टेंग सॉरी सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉपर वायर इज वाउंड टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी। One end of this wire is connected to terminal T1 and the other end is connected to terminal T2 via spring S. These terminals are connected to a battery so that current will flow in the coil. Coil में क्या हो जाएगा हमारा? Current flow हो जाएगा. Current flow होगा coil में, तभी तो इस पर क्या लगेगा? Torque लगेगा. Two magnets are used to provided. Two magnets are provided for perpendicular magnetic field to the coil. What is the function of this soft iron core? Function of soft iron core. Soft iron core. It has a special function. What? This cylindrical soft iron core. This cylindrical soft iron core make the magnetic field radial. ये क्या करती है? Magnetic field को radial बना देती है. What is the meaning of radial? So that at every point the plane of coil एंड मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पर एंड मैग्नेटिक फील्ड रिमेन पैरेलल विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या रहे? पैरेलल रहे. तो उससे क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये हमारी नॉर्थ और साउथ है, ये हमारी क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है. इस सॉफ्ट आयरन कोर ने क्या कर दिया है? ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही थी, उनकी डायरेक्शन को ऐसे मोड़ दिया है. अब इससे क्या होगा हमारे पास? देखिएगा, इससे क्या होगा हमारे पास? जब हमारी कॉइल बिल्कुल सीधी होगी तो इस लाइन के पैरेलल होगी, थीटा जीरो. जब किसी एक एंगल पर डेविएट हो गई छोटे से एंगल पे, तो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, फिर थीटा जीरो. तो हर बार हमारी कॉइल रोटेट करेगी ना, तो हर बार वो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी. सो दैट थीटा विल बी जीरो. थीटा क्या होगा हमारा? जीरो होगा. चलिए अब वर्किंग करते हैं. तो जैसे ही हमारे कॉइल में से क्या होगा? करंट फ्लो होगा. हमारी कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो कॉइल पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगी. टॉर्क कितना लगेगा? एन आई बी ए कॉस ऑफ थीटा. मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो. थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी एन आई बी ए कॉस जीरो वन हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. वर्किंग ये फिगर देख लेंगे साथ साथ हम, और इसको एक्सप्लेन करते रहेंगे. वर्किंग करते हैं. लेट अस डू. व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, जब कॉइल में से करंट फ्लो होता है, देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क. Tau is equal to n I b a cos of theta. Cos theta is equal to 1 as theta is equal to 0 degree because radial magnetic field hamesha kya hogi? Parallel hogi. Then tau 1 n I b a. Ye lijiye. Ho gaya.
अब क्वाइल किससे जुड़ी हुई है? स्प्रिंग से जुड़ी हुई है। क्वाइल घूमेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगा। स्प्रिंग घूमेगा तो क्या होगा आपके पास? स्प्रिंग क्या लगा करेगा? एक टॉर्क स्प्रिंग भी लगाएगा वापस आने के लिए, इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। दैट टॉर्क विल बी कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है। सो एज क्वाइल विल रोटेट द हेयर स्प्रिंग विल ऑल्सो प्रोड्यूस टॉर्क एंड ट्राई टू ब्रिंग द क्वाइल इन ओरिजिनल या इनिशियल पोजिशन में करेगा। देन टॉर्क टो टू विल बी इक्वल टू के थीटा। थीटा कहां से आया? जितना स्प्रिंग हमारा क्या करेगा, घूमेगा, वो जितने एंगल से घूमेगा उतने ज्यादा से वो टॉर्क लगेगा। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड टॉर्क विल बी इक्वल टू के थीटा। के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन टो वन इज इक्वल टू टो टू, सो एन आई बी ए विल बी इक्वल टू के थीटा। आई की वैल्यू चाहिए, आई इज इक्वल टू के अपॉन एन बी ए इंटू में थीटा। आई इज इक्वल टू के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स है कॉइल में, एक दो तीन चार, जितनी भी है कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या है, कॉन्स्टेंट है। ए एरिया ऑफ कॉइल, लेंथ इन टू ब्रेथ, ये भी कॉन्स्टेंट है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट होगी। आई इज इक्वल टू जी थीटा, यानी हमारी कॉइल कितने एंगल से क्या की है, रोटेट की है, वो पता चल जाए तो करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा बाय लैंप एंड स्केल मेथड, वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ करंट flowing through the coil, coil में से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये लैंप एंड स्केल मेथड क्या है? लैंप एंड स्केल मेथड देखिए, ये आपका फिगर था। कॉयल घूमती ना, कॉयल के यहां नीचे है ना, नीचे एक स्केल लगा होता है इस तरह से, उस स्केल पे रीडिंग होती है। 0 degree, 1 degree, 2 degree, 3 degree, ऐसे इस तरह होती है। 1 degree, 2 degree, 3 degree। तो जब कॉयल घूमती है तो इस मिरर में क्या मिलती है, उसकी इमेज मिलती है। हम क्या करते हैं, कितने एंगल से कॉयल घूमी है इस मिरर पर लैंप से रोशनी मार के देखते हैं, लाइट से देखते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या रीडिंग आई है, और उस रीडिंग को हम कहाँ रख देते हैं, उस रीडिंग को हम इस फॉर्मूले में थीटा में रख देते हैं, और हमें क्या पता चल जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होती है? ए गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड सेंसिटिव। इफ इट कैन मेजर स्मॉलेस्ट करंट पासिंग फ्रॉम इट। गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब कहेंगे? छोटे से छोटा करंट को मेजर कर दे, छोटा सा करंट हो तुरंत उसकी सुई इंडिकेट कर दे, नीडल इंडिकेट कर दे, या कॉयल घूम जाए तुरंत, पासिंग थ्रू इट। ठीक है। यहां पे हमारा जी क्या था?
जी कांस्टेंट था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह दिया इसको, के अपॉन एम बी है, ये जी था हमारे पास। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर दो टाइप की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप। नंबर वन करंट सेंसिटिविटी, नंबर टू वोल्टेज सेंसिटिविटी। दो तरह की सेंसिटिविटी है हमारे, किसकी गैल्वेनोमीटर की। पढ़ते हैं थोड़ा सा करंट सेंसिटिविटी क्या है। नंबर वन करंट सेंसिटिविटी, देखिए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, कॉइल मूव करती है ना। अब अगर सिर्फ एक एम्पियर करंट फ्लो कर दें, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस, कितने एंगल डिफ्लेक्ट होती है बाय पासिंग ए करंट ऑफ वन एम्पियर। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी है थीटा अपॉन आई, तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन इन क्वाइल व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट एंड करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। आई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी पिछले टॉपिक में, क्या निकाली थी आई की वैल्यू, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, के अपॉन एन बी इन टू में थीटा निकाली थी। थीटा से थीटा कैंसिल, करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी, नंबर टू वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है भाई, अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा गैल्वेनोमीटर था ये, अगर हम यहां एक वोल्ट की बैटरी लगा दें, एक वोल्ट की, तो इसमें से जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा ना इस कॉइल में, जितना थीटा एंगल से मूव करेगी वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, कब, when 1 volt of potential difference is applied between the terminals of coil, then voltage sensitivity is equal to theta upon v, v ki value likh di, ir theta upon I ki value, K upon N B A into में theta into में R, theta से theta cancel हो जाएगा, I की value यहीं ये वाली थी, K upon N B, तो हमारी voltage sensitivity क्या आ जाएगी, N B A upon K R, voltage sensitivity। अब देखो voltage sensitivity increase करनी हो ना, number of turn increase करो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो, एरिया इंक्रीज करो, वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय नंबर वन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न, बट इट विल आल्सो मेक मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर बल्की,
भारी बना देगा क्योंकि ज्यादा टर्न होगी तो ज्यादा वायर चाहिएगी। नंबर टू, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्वाइल बट इट विल मेक एमसीजी बिगर, बड़ा बना देगा, एरिया बड़ा हो जाएगा तो, है ना। नंबर थ्री, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करो, बी कैन बी इंक्रीज्ड बाय हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट के पास पास होते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट यूज कर लो, ठीक है। के को डिक्रीज करो बाय डिक्रीजिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट्स व्हाई, इसीलिए दैट्स व्हाई स्प्रिंग इज यूज्ड ऑफ फॉस्फर ब्रोंज वायर इसीलिए हम फॉस्फर ब्रोंज वायर का क्या यूज करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं, क्योंकि इसका की स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, कम होता है। तो कीजिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।